माता की जय। भारत दोस्तों हम धर्मवीर बराड़ा जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी आज के इस युवा कार्यकर्ता सम्मेलन में युवा साथियों के में हमारे गुड़गांव से साथी युवा प्रदेश उपाध्यक्ष धीरज यादव जी, फरीदाबाद में भ्रष्टाचार की मुहिम चल रही है, आम आदमी पार्टी मुहिम को उठा रही है, उसमें साथ देने वाले मेरे सभी दिल के अजीज पत्रकार बंधु भाई मेरे जो बैठे हैं, सभी साथियों मेरा हाथ जोड़कर सभी को नमस्कार, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल। साथियों आज हमारे चंचल भाई नौजवान साथी हैं, इनकी युवा की नींद रखी जा रही है, इन्होंने प्रोग्राम किया है और हमारे धीरज भाई यादव जी ने इनको विश्वास दिलाया है कि इनको फरीदाबाद का युवा जिला अध्यक्ष बनाएंगे। आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि कल एक हमारा साथी मनीष भाटिया जी वार्ड नंबर 15 से एक प्रोग्राम कर रहे हैं, एक नंबर में बेटा भी समझे लोग 13 से, जिसमें पंजाब के प्रभारी एवं दिल्ली के विधायक सरदार जमनैन सिंह आ रहे हैं और दिल्ली के लोकप्रिय विधायक दुर्गेश पाठक भी आ रहे हैं। साथियों नगर निगम चुनाव नजदीक आ रहे हैं, एक साल हो गया है नगर निगम चुनाव को खत्म हुए, फरीदाबाद में फरवरी में इनका समय खत्म हुआ था, मगर ये भारतीय जनता पार्टी की जो भ्रष्ट सरकार है ये चुनाव करने वाले से डर रही है। इनको मालूम है अगर तुमने नगर निगम के चुनाव समय पर करा दिए तो भारतीय जनता पार्टी का एक भी पार्षद बनने लायक नहीं है, सारे के सारे पार्षद, तमाम विधायक, तमाम अफसर, 200 करोड़ का घोटाला नाम का है, करीब 2000 करोड़ के घोटाले में फंसे हुए हैं। आप सभी साथियों को मालूम है कि पूरा फरीदाबाद में टूटी सड़कें, बहता पानी, सीवर का पानी, पीने का मीठा पानी, बिजली, सड़क, खरंजा, लाइट, इस भारतीय जनता पार्टी की महा भ्रष्ट सरकार ने एक भी कहीं ईंट भी लगवाई हो तो मुझे बता, ये क्या काम करते हैं? ये विधायक खरीदने का काम करते हैं, जो ये बेईमानी करते हैं उससे विधायक खरीदते हैं, कभी महाराष्ट्र का खरीदते हैं, कभी मध्य प्रदेश में खरीदते हैं, कभी दिल्ली के विधायकों को लोभ देते हैं, ये इस सरकार का काम है। और दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी क्या करते हैं? बिजली, पानी, सड़क, सीवर, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, महिलाओं के लिए बस यात्रा, दिल्ली के मुख्यमंत्री ये काम करते हैं। दिल्ली के कामों को देखकर, दिल्ली के मॉडल को देखकर पंजाब के लोगों ने 117 में से जो 92 सीट दी है, हम पंजाब के लोगों का धन्यवाद करते हैं, उससे पूरे हिंदुस्तान में आम आदमी पार्टी की लहर चली हुई है। अगर आज भारतीय जनता पार्टी किसी से डरती है तो वो आम आदमी पार्टी से डर रही है। कांग्रेस सरकार आपसी फूट, कांग्रेस के अंदर 2 या 3 दलित समाज के हरियाणा के अध्यक्ष बने थे, पहले अशोक तंवर जी बने थे, फिर हमारी बहन वो बनी शैलजा जी बनी थी, दोनों की आपने देखा है क्या दुर्दशा की है। और जब से गुलाम नबी आजाद छोड़कर गए हैं कांग्रेस तो खत्म की तरफ चल रही है, इस हरियाणा में कांग्रेस का नामो निशान नहीं है। हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर के और शहीद भगत सिंह के सपनों को अगर कोई पूरा कर रहा है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं, बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। शहीद भगत सिंह का एक सपना था, अगर ये देश का नौजवान पढ़ेगा, देश का नौजवान आगे बढ़ेगा, बाबा भीमराव का यही सपना था कि हम पढ़ेंगे, समझित रहेंगे, आगे बढ़ेंगे,
तभी ये देश विकसित होगा। मगर भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में 250 से ज्यादा स्कूल बंद करा दिए। बीजेपी ये सोचती है, कांग्रेस की सोच है, अगर ये पढ़ेंगे तो सवाल पूछेंगे। इनका ये सपना है भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस का, कि ये पढ़े ना, अगर ये पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, तुमसे सवाल पूछेंगे। आप लोगों को ये फैसला करना है कि आप लोग खरीदे हुए एमएलए उस सरकार का साथ देंगे, या जो ईमानदारी से जो हमारा अधिकार है बिजली पानी सड़क सीवर स्कूल उस सरकार का साथ देंगे। साथियों मैं आपको एक बात बता रहा हूं, बेटा छोटे चुप लगा जाओ, जाकर तो चले ना अपने भाग जाए। आज इस देश में दो तरह की सरकारें काम कर रही हैं, एक कट्टर ईमानदार और दूसरा